बुलाने का जो मकसद था वो पिछले दिनों बिहार के अंदर लगातार महिलाओं पर हिंसा, बच्चियों के साथ बलात्कार, एसिड अटैक और तरह तरह की घटनाएं हुई। और अभी हाल में आप सबको पता है जो शेल्टर होम में जो घटनाएं हुई उसमें भी सीबीआई जिस तरह से जांच कर रही है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोगों ने अभी कल ही सभी महिला संगठन जो अभी आप मौजूद हैं और भी महिला संगठन हैं, कल हम लोगों ने एक बैठक की और हम लोगों ने तय किया कि लगातार ऐसी हिंसक घटनाओं के खिलाफ, चाहे वो भागलपुर के अंदर एसिड अटैक की घटना हुई हो या अभी आपके बीच एक 11 साल की बच्ची पिछले दिनों पटना से गायब हो गई, उनकी माँ हमारे बीच मौजूद है और बहुत सारी बच्चियाँ गायब हो रही हैं। और पिछले दिनों कंकड़बाग से एक लड़की गायब हुई और फिर जब वापस आई तो पता चला कि इसको बेच दिया गया था। इसके पहले भी 2-3 साल करीब पहले पटना सिटी में इस तरह की घटना हुई। तो इस तरह की तमाम हिंसा जो महिलाओं को पर हो रहे हैं उसके खिलाफ पूरी महिला संगठन आज यहाँ मौजूद है। आप अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे बीच रामपरी हैं, मीना जी हैं, सब लोग हैं। तो हम लोग 23 तारीख को इसके खिलाफ राजभवन मार्च करेंगे। ये हमारा और हमारी कई मांगे हैं और उसके खिलाफ हम लोग ये बड़ा एक आंदोलन हम लोग 23 तारीख को करेंगे। बाकी साथी भी हैं, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं वो बताएंगे। नहीं है, बल्कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों जो मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में जो बच्चियों के साथ यौन हिंसा और खरीद बिक्री का जो काम किया गया उसके खिलाफ़ भी बिहार की महिला संगठनों सड़क पर आई और उसके बाद दूसरी पार्टियां भी सड़क पर आई और उसके बाद सरकार की नींद खुली। मैं समझती हूं कि आज सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत दे रहे हैं, अभी भी देखे हैं कल कहीं सम्मेलन किए हैं और वो जागरूकता अभियान चलाएंगे, लेकिन हकीकत में आज पटना के अंतर्गत मानव तस्कर जो बढ़ गया है जिसमें खास करके बच्चियों की खरीद बिक्री की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है जिस पर सरकार का कोई निगाह नहीं है। और तो रोज़ देख रहे हैं कि बलात्कार करके हत्या की घटना, उसके अलावे एसिड अटैक, डैन कह करके सामूहिक, लेकिन जो प्रशासन है प्रशासन बिल्कुल ही उनको समझिए तो मानवता भी हम समझते हैं कि उनके अंदर नहीं है, क्योंकि जो पीड़िता है वहाँ जब जाती हैं तो उनकी बात को इग्नोर किया जाता है। हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल हम संघर्ष के माध्यम से ही हम सरकार को जगा सकते हैं और इसलिए हम महिला संगठन एक साथ आए हैं, हम बैठे हैं और 23 जुलाई को विधानसभा पर प्रदर्शन करने का हम लोग एक निर्णय लिए हैं और इसी के तहत आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।